टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज द एलाइजा द एलाइजा इसका फुल फॉर्म क्या है द एंजाइम लिंक्ड इमिनो सॉर्बेंट एसे एंजाइम लिंक्ड इमिनो सॉर्बेंट एसे इस कॉमनली यूज्ड एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एसे, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय इवा इंग्वॉलॉल एंड पीटर पर्ल इन नाइनटीन सेवेंटी वन तो आप सोचिए कि इसको सबसे पहले नाइनटीन सेवेंटी वन में ही कितना टाइम पुरानी मेथड है जिसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था ईवा एंड पीटर पर्ड पीटर पर्ड ने और ये क्या है एक एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री ऐसे है मतलब केवल एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिर क्या है है ना एंटीजन एनालिसिस कर सकते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ हैं तो एंटीबॉडी एनालिसिस कर सकते हैं तो मेन वर्क इसका यही है द एसे यूज अ सॉलिड फेस टाइप ऑफ इम्यूनो एंजाइम इम्यूनो एसे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लिगेन तो इस ऐसे में क्या करते हैं हम सॉलिड फेज यूज़ करते हैं जैसे माइक्रोटाइटर प्लेट वगैरह जो रहती है ये सॉलिड रहती है तो इस टाइप के सॉलिड फेज इम्यूनो एंजाइम इम्यूनो ऐसे यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड कॉमनली प्रोटीन तो किसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं इन्हें लिक्विड सैंपल तो सैंपल कैसा होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए आप किसी सॉलिड सैंपल में कोई प्रोटीन डिटेक्शन इसमें नहीं कर सकते अगर आपको सॉलिड सैंपल का प्रोटीन डिटेक्शन करना है तो फिर इससे बढ़िया यह है कि आप उसको थोड़ा लिक्विफाई कर लें और उसके बाद इसको एंजाइम एलाइजा में लगाएं अब लिगेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़ तो यूजिंग एंटीबॉडीज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोटीन टू बी मेजर्ड तो जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ किसी लिगेंड के साथ बाइंड होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी और उस बेसिस पर हम उस प्रोटीन का मेजरमेंट करेंगे कि आखिर कितना प्रोटीन है एलाइजा हैज़ बीन यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन प्लांट पैथोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज द क्वालिटी कंट्रोल चेक इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एलाइजा एंटीजन फ्राम द सैंपल टू बी टेस्टेड आर अटेस्ड टू द सर्फेस हमें सबसे पहले क्या करना होगा एंटीजन को सरफेस पे अटैच करना होगा देन इसके बाद जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी है उसकी जो उसके साथ मैचिंग करता हो एंटीजन की उसकी बाइंडिंग करानी होगी ओवर द सर्फेस सो इट कैन बाइंड टू द एंटीजन तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हमेशा आपको पता है बहुत ही स्पेसिफिक होती है this antibody is linked to an enzyme and then any unbound antibody are removed तो so, antibody पहले से ही enzyme से linked होगी और जो unbound antibody से वो उसको remove कर दिया जाएगा with the help of washing in the final step the substance containing the enzymes substrate is added तो so, अब हमारी antibodies पहले से ही किससे linked थी enzyme से तो so, अब हम क्या डालेंगे substrate डालेंगे इफ़ देर वॉज बाइंडिंग द सब्सिक्वेंट रिएक्शन प्रोड्यूस ए डिटेक्टेबल सिग्नल मोस्ट कॉमनली है कलर चेंज तो हमें एक्चुअल में क्या है जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सारी टेक्निक्स में या तो हम कलर चेंज देखते हैं या फ्लोरोसेंट देखते हैं या रेडियो लेबलिंग देखते हैं तो यही मेन टेक्निक्स होती हैं जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं कि आखिर वो क्या है या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर तो यहाँ पर भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीबॉडी में पहले से ही एंजाइम होता है उस एंजाइम को रिएक्शन कराने के लिए हमको उसमें एक सबस्ट्रेट डालना पड़ता है और जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज़ है उसको रिमूव कर देते हैं अगर वो एंटीजन को डिटेक्ट कर पाता है एंटीबॉडी तो बाइंड हो जाता है अदरवाइज अगर वो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं होता यानी कि वह नॉन एंटीजन जो है डिटेक्ट uh, नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में बाइंडिंग एंटीबॉडी की नहीं होती है फाइनली जो भी सबस्ट्रेट और एंजाइम से uh, जो कलर चेंज होता है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है परफॉर्मिंग एन एलाइजा इन्वॉल्व एट लीस्ट वन एंटीबॉडी विथ स्पेसिटी फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन द सैम्पल विथ एन अनॉन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज इमोबलाइज ऑन द सॉलिड सपोर्ट यूजली ये पॉलिसटरीन माइक्रोटाइटर प्लेट तो यहाँ पर ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट्स हैं इनका यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन ये पॉलिसटेरिन की बनी होती हैं और इसमें नाइंटी एट वेल्स होते हैं और ये इमोबलाइज जो एंटीजन होता है हमारा उसको हमें इस सरफेस uh, पे इमोबलाइज करना होता है है ना और जो आइदर नॉन स्पेसिफिकली या तो आप एड्जॉपशन करके सरफेस पे उसको बाइंड करेंगे और स्पेसिफिकली वी आर कैप्चर्ड बाय अनदर एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द सेम एंटीजन इन द सेंडविचलाइजर तो अब आपको सॉलिड सपोर्ट पे कैसे एडहर करना है एंटीजन को उसके दो तरीके हैं या तो आप एक काम करें कि या तो आप सबसे पहले एंटीबॉडी को बाइंड कर दें और उस पर स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसको बाइंड कर दें तो ये हम सैंडविच अलाइजा में करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है और या फिर ऐसा है कि सीधा जो एंटीजन है उसको सरफेस पे एडजॉर्पन टेक्निक के थ्रू एड्ज़ॉर्ब किया जाता है यानी इमोबिलाइज किया जाता है तो हमारा मेन पर्पस जो होता है वो होता है एंटीजन का इमोबिलाइजेशन करना चाहे वो हम एडज़ॉपन मेथड से करें या हम सैंडविच सैंडविचलाइजा मेथड से करें तो जैसे ही एंटीजन इमोबलाइज हो जाता है इस माइक्रो टाइटर प्लेट पर हम इस पर डालते हैं हमारा एंटीबॉडी और वो एंटीबॉडी ऐसी रहती है जो पर्टिकुलरली एंटीजन uh, के साथ बाइंड होने वाली होती है अगर एंटीजन नॉन है और हमें पता करना है कौन सा एंटीजन है तो एंटीबॉडी अगर बाइंड होती है तो हमें पता चल जाता है कि एंटीजन कौन सा है अगर एंटीबॉडी बाइंड नहीं होती है तो एंटीजन का पता नहीं चल पाता तो ये एंटीबॉडी डाली जाती है कभी कभी एंटी ये जो एंटीबॉडी रहती हैं इस पर एंजाइम का मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एंजाइम लिंक्ड होता है ये पर कभी कभी ऐसा है कि इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में भी एक सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई जाती है जो कि पर्टिकुलरली इस प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होता है और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी पर जो है एंजाइम लेबल्ड होता है इसको हम कहते हैं बाय कॉन्जुकेशन और बाय कॉन्जुकेशन होने के बाद में फाइनली इस जो आ, एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है और रिएक्शन करा करके कलर चेक किया जाता है तो जो भी सिग्नल्स कलर के आते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है और फाइनली एंटीजन को क्वांटिफाई किया जाता है यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होती है वो और भी ज़्यादा मोर स्पेसिफिक हो जाती है जिससे और भी ज़्यादा मोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं कि एंटीजन कौन सा है और क्वांटिटेटिव डिटेक्शन भी हम इसमें कर पाते हैं तो जो प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डाली जाती है वो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है लास्ट में इसमें जो माइक्रोटाइटर प्लेट रहती है उस पर हम पहले से ही हमारा जो एंटीजन है उसको इमोबलाइज करके रखे होते हैं तो फर्दर इस टाइप की जो माइक्रोटाइटर प्लेट है वो दे आर नाट ईज़िली रीयूजबल तो हमें बहुत सारी वॉशिंग करना पड़ती है उसमें डिफरेंट टाइप के बफर्स डाल के उसका उसको वॉश करना पड़ता है तभी हम उसको माइक्रो डाइटर प्लेट को यूज़ कर पाते हैं अदरवाइज़ जो एक बार फर्स्ट टाइम इसको हम जब यूज़ करते हैं उसके बाद जब सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट भी थोड़े से डेविएट होते हैं इसलिए जो माइक्रो डाइटर प्लेट्स होती हैं उसको हम सेकेंड टाइम ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते हैं नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा तो एलाइजा क्या है एज एन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसे एंड ए वेट लैब टेक्निक एलाइजा क्या है एक एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसे है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर कोई पर्टिकुलर एनालाइट कितना है मतलब उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का एनालिसिस करते हैं और दूसरा ये है कि एक वेट लैब टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड का यूज़ करते हैं और लिक्विड का ही एनालिसिस करते हैं लिक्विड में जो भी एनालाइट होता है उसका एनालिसिस करते हैं इन्वॉल्व डिटेक्शन ऑफ एनालाइट दैट इज द स्पेसिफिक सबस्टेंस हुज प्रजेंस इज बींग क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली एनालाइज्ड जिसको हमको एनालाइज करना है चाहे वो क्वान्टिटेटिवली करें या क्वालिटेटिवली करें तो एक एनालाइट है फॉर्दर डिटेक्शन इन ए लिक्विड सैम्पल बाय ए मेथड दैट कंटिन्यूस टू यूज लिक्विड रिएजेंट्स ड्यूरिंग द एनासिसिस और इस पूरी मेथड में हम लिक्विड रियजेंट्स का ही यूज़ करते हैं और साथ में हम लिक्विड सैंपल जो हमारा एनालाइट है वो भी एज ए लिक्विड फॉर्म में होता है That is controlled sequences of biochemical reactions that will generate a signal which can be easily quantified and interpreted as measure of the amount of analyte in the sample. तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें जिसको हम कंट्रोल करते हैं जिसमें कलर uh, रिएक्शन होने पर सिग्नल प्रोड्यूस होता है और सिग्नल से हम इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आखिर कितने अमाउंट का एनालाइट उस सैंपल में प्रेजेंट है दैट स्टेज uh, लिक्विड एंड रिमेन इन साइड रिएक्शन चैम्बर और वेल नीडेड टू कीप द रिएटेंट और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और ये पूरा जो है एक रिएक्शन चैम्बर में परफॉर्म किया जाता है तो रिएक्शन चैम्बर मैंने आपको बताया माइक्रोटाइटर प्लेट होती है जो कि नाइन्टी सिक्स वेल्स की होती है हर एक वेल well जो होता है एक चैम्बर है और माइक्रोटाइटर प्लेट किसकी बनी होती है वो भी मैंने आपको बताया वो बनी होती है पॉलिस्टरीन की लेकिन जैसे हमने ये वेट लेप टेक्निक के बारे में समझा ऐसे ही इन कंट्रास्ट अब एक ड्राई लेप टेक्निक भी आ गई है और ड्राई लेप टेक्निक को हम ड्राई स्ट्रिप पर करते हैं पहली वाली जो हम करते हैं वो हम सॉलिड सरफेस पे करते हैं और एक रिएक्शन चेंबर में करते हैं जबकि जो ड्राई लेप टेक्निक है वो हम ड्राई स्ट्रिप पे करते हैं इवन इफ द सैंपल इज़ लिक्विड मेजर्ड स्मॉल ड्रॉप द फाइनल डिटेक्शन स्टेप इन द ड्राई एनालिसिस इन वॉस रीडिंग ऑफ ड्राइड स्ट्रिप बाय द मैथड सच इज रिफ्लैक्टोमेट्री एंड डज नॉट नीड अ रिएक्शन कंटेनमेंट चेंबर टू प्रिवेंट स्पिल ओवर और मिक्सिंग बिटवीन द सैम्पल तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो ड्राई एनालिसिस होता है उसमें केवल एक ड्राई स्ट्रिप का यूज किया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर ड्राई स्ट्रिप इज बेस्ड ऑन द टेक्निक दैट इज द रिफ्लेक्टोमेट्री एंड इसमें किसी भी टाइप के रिएक्शन रिएक्शन कंटेनमेंट चैम्बर की ज़रूरत नहीं होती है सो दैट देर इज़ नो एनी स्पिल ओवर क्योंकि जो 96 सिक्स वेल्स हैं आप समझें कि 96 सिक्स वेल्स में कहीं ना कहीं स्पिल ओवर होगा एक मटेरियल दूसरे में जाएगा दूसरा तीसरे में जाएगा ये प्रॉब्लम हो सकती है तो जो ड्राई स्ट्रिप होती है उसमें कोई स्पिल ओवर होने की प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन इसमें आपको ड्राई लिप टेक्निक में भी ये ध्यान देना है कि जो हमारा एनालाइट रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है द सैम्पल इज़ लिक्विड तो ये याद रखना कि जो ड्राई लेप टेक्निक है उसमें भले हम स्ट्रिप ड्राई ले रहे हों लेकिन हमारा जो सैम्पल रहता है वो लिक्विड फॉर्म ही रहता है और हमारे जितने भी एनालाइट्स रहते हैं जितना भी हमारे रिएजेंट्स रहते हैं वो सब भी लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं एज ए हाइड्रोजेनस ऐसे एलाइजा सेपरेट सब कंपोनेंट ऑफ द एनालिटिकल रिएक्शन मिक्सचर बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन कम्पोनेंट्स ऑन टू द सॉलिड फेस विच इज़ फिजिकली इमोबलाइज तो इसमें क्या है जो एनालाइट्स होता है उसको हमको सॉलिड सरफेस पर फिजिकली इमोबलाइज करना पड़ता है इन एलाइजा अ लिक्विड सैम्पल इज एडेड ऑन टू द स्टेशनरी सॉलिड फेस विथ स्पेशल बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड इज फॉलोड बाय मल्टीपल लिक्विड रिएजेंट्स डेट आर सब्सिक्वेंटली एडिड तो इसके बाद हमें एलाइजा में लिक्विड सैंपल के ऊपर जो कि स्टेशनरी सॉलिड फेस पर चिपके हुए हैं उस पर हमें एक स्पेशल बाइंडिंग प्रॉपर्टी वाली जो सॉल्यूशन uh, है उसको डालना होता है स्पेशल बाइंडिंग प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन क्या हो गया एंटीबॉडीज़ हो गई उसको डालना होता है और साथ में हमें मल्टीपल लिक्विड रिएजेंट्स जैसे कि सबस्ट्रेट वगैरह डालना होता है उससे क्या होता है कि आ, उसको डालने के बाद इनक्यूबेट करना होता है एंड वॉज फॉलोड बाय सम ऑप्टिकल चेंजेस तो जैसे ही हम वॉशिंग करेंगे तो फाइनली जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो विजुलाइज होगी तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल चेंजेस आएंगे क्या चेंज आएंगे कलर डेवलपमेंट होगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन तो ये कलर डेवलपमेंट को देखा जाता है इन द फाइनल लिक्विड इन द वेल फ्रॉम विच द क्वान्टिटी ऑफ द एनालाइट इज मेजर्ड द क्वान्टिटेटिव रीडिंग इज यूजली बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो हम उस क्वांटिटी को डिटेक्ट कैसे करेंगे उस कलर को डिटेक्ट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है इसका क्या प्रिंसिपल है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं विच इन्वॉल्व्स क्वान्टिटेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू द लिक्विड एज वेल एज द ट्रांसपेरेंट बॉटम ऑफ द वेल इन द मल्टीपल वेल प्लेटफॉर्म सिस्टम तो यदि आपके पास में कोई ड्राई पेपर है तो उसका भी आप क्वान क्वान्टिफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या करते हैं वैसे ड्राई पेपर केवल मैंने देखा है क्वालिटेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होता है केवल हम ये चेक करते हैं कि वो एंटीजन है या नहीं है है ना लेकिन जो माइक्रोटाइटर प्लेट है वो मल्टीपल वेल प्लेटफॉर्म सिस्टम जो होता है उसके बॉटम में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है जिसमें अगर फ्लोरोसेंट हो या मान लीजिए उसमें कोई कलर हो एंजाइम है तो कलर हो सबस्ट्रेट है तो कलर हो तो उस कलर को डिटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ उसमें जाती है और जो है डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है या कुछ लाइट का ट्रांसमिशन हो जाता है डिफ्रैक्शन uh, हो जाता है और वो स्ट्रेप्टो फोटोमीट्री से रीड आउट किया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि एंटीजन की क्वांटिटी कितनी है द सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्शन डिपेंड्स ऑन एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग द एनालिटिक रिएक्शन तो जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के डिटेक्शन में उतनी ज़्यादा हमें एनालाइट कितना रिएक्ट किया और कितना सिग्नल प्रोड्यूस किया हो उसके बारे में पता चलेगा सिंस एंजाइम रिएक्शन आर वेरी वेल नॉन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस द सिग्नल इज जनरेटेड बाय द एंजाइम विच आर लिंक्ड टू द डिटेक्शन रिएजेंट इन फिक्सड प्रोपोर्शन टू अलाउ एक्यूरेट क्वान्टिटेशन एंड दस नैम एंजाइम लिंक्ड तो इसलिए हम अगर बात करते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्मेंट से तो इसमें दो चीज़ें आ गई एंजाइम लिंक्ड मतलब एंजाइम इसमें काम कर रहा है और इम्यूनो इम्यूनोसारबेंट बोला है यानी कि हम एंटीबॉडी के मेथड से डिटेक्शन कर रहे हैं तो इसीलिए लिए एलाइजा में अगर आपको लिखना हो तो एंजाइम के बारे में भी बताएँ थोड़ा और साथ में आपको एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन की मेथड को भी बताना पड़ेगा नाउ कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ एलाइजा एलाइजा में सबसे पहले जो यूज़ किया जाता था वो होता था रेडियो एम्यूनाइसे रेडियो एम्युनाइसे में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रेडियो लेबल्ड होते थे और ये सबसे पहले जो पेपर पब्लिश हुआ था ये हुआ था रोसे लाइन सुषमान येलो एंड सोलोमोन बर्सन ठीक है इन 1960 में तो ये दो साइंटिस्ट थे रोसे लाइन सुषमान येलो एंड सोलोमोन बर्सन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एमुन ऐसे को सबसे पहले अपने साइंटिफिक पेपर में डिस्क्राइब किया था लेकिन रेडियो एमुनो ऐसे जो है वो काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है क्योंकि जो रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं तो इसीलिए बाद में एंजाइम का यूज़ किया गया तो जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडिस जो एंजाइम था इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो ए बी टी एस या फिर टी एम बी यूज़ होता है तो इसका जो सबसे पहले यूज़ किया गया इसके लिए जो सबसे पहले पेपर दिया वो दिया था वाइड एंड जर के पोराथने। ने ओके इसके बाद में जो एक्चुअल जो इसका पूरा सेंसाइज करके जो एक्चुअल नॉलेज दिया इसके बारे में और इस मेथड के बारे में डिस्क्राइब किया और इसे कहा कि भई ये जो है एंजाइम लिंगडे मिनोस औरबेंट ऐसे है वो क्रेडिट जाता है इन 1971 में पीटर पर्लमैन एंड ईवा इंग को है ना इंगवेल को तो ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन में थे और इनको क्रेडिट जाता है तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द एलाइजा तो आपको बताना है ईवा इंगवेल एंड पीटर पर्ल्डमैन इन नाइनटीन सेवेंटी वन हम एलाइजा इसलिए कहते हैं क्योंकि एलाइजा में एंजाइम लिंगड मतलब यानी एंजाइम यूज़ किया जाता था लेकिन अब नॉन एंजाइमेटिक मेथड्स भी आ गई हैं लाइक फ्लोरोजेनिक प्रोब्स होते हैं या फिर जो लेबलिंग होती है वो इलेक्ट्रोकेमिलट लेबलिंग होती है और या फिर क्वांटिटा अपोजिशनिटिव पीसीआर से भी डिटेक्शन किया जाता है तो ये नई टेक्निक्स हैं जो कि सेंसिटिव है और इसमें एंजाइम का यूज़ नहीं होता है लेकिन प्रिंसिपल सेम होने के कारण इनको भी हम जो है एलाइजा की कैटेगरी में रखते हैं इसके बाद अभी 2012 में जो एलाइज़ा है इसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है तो नैनो पार्टिकल्स एज ए क्रोमोजेनिक रिपोर्टर्स होते हैं और नेकेड आई से भी हमें अगर मान लीजिए पॉजिटिव कलर आया है तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा तो पॉजिटिव कहेंगे हम और अगर नेगेटिव है तो रेड कलर होता है तो हम इसको नेगेटिव कहते हैं तो ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि ऑटोग्राम्स ऑफ एनालाइट्स भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ एलाइजा सो देर आर मेनी एलाइजा टेस्ट फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट यूज द मैचिंग एंटीबॉडीज एलाइजा टेस्ट आर ब्रोकन इन टू सेवरल टाइप्स ऑफ द टेस्ट बेस्ड ऑन हाउ द एनालाइट एंड एंटीबॉडीज आर बॉन्डेड एंड यूज द मेजर टाइप आर डिस्क्राइब हियर तो जो एनालाइट्स हैं और जो एंटीबॉडीज़ है उसका हम किस टाइप से यूज़ करते हैं उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप के एलाइज़ा हैं लाइक फर्स्ट है डायरेक्ट एलाइजा नाउ फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि हम जो एंटीजन हैं वो नाइन्टी सिक्स वेल्स वाली जो प्लेट है माइक्रोटाइटल प्लेट उसमें हम डालते हैं तो एंटीजन ऐसे ही नहीं डालते उसको हम पहले बफर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और उसके बाद डालते हैं ताकि जो एंटीजन है वो ईज़िली इंट्रैक्ट कर पाए विद द प्लास्टिक है ना थ्रो थ्रो चार्ज इंट्रेक्शन तो एडरेंस कैसे होगा कि भाई अगर प्लास्टिक में कोई चार्ज है और हमारे एंटीजन में भी कोई चार्ज है तभी एडरेंस होगा अदरवाइज एडरेंस नहीं होगा अब सपोज कीजिए कि, कि हमारा एंटीजन यहाँ बाइंड हुआ है यहाँ बाइंड हुआ है यहाँ बाइंड हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द सर्फेस तो ब्लैंक रहेगी इसलिए इस ब्लैंक सर्फेस को भरना भी ज़रूरी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बोवाइन सीरम एल्यूमिन और केसिन तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग प्रोटीन ये एक्चुअल में क्या है नॉन रिएक्टिंग प्रोटीन है बोवाइन सीरम एल्बीमिन और कैसिन तो इसका हम लेबलिंग करते हैं प्लास्टिक सरफेस पे ताकि जो एंटीजन है वो उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सरफेस है वो ब्लॉक हो जाए इसको हम ब्लॉकिंग भी कहते हैं इस टेक्निक को या इस मेथड को इसके बाद हम इसमें हमारा जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको मिक्स करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी ऑलरेडी लेबल्ड रहता है विथ एंजाइम और एंजाइम के बाद में हम इसमें सबस्ट्रेट मिक्स करते हैं तो सबस्ट्रेट जब हम मिक्स करते हैं तब वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कलर देता है अगर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है विथ पर्टिकुलर एंटीजन तो रेस्ट ऑफ जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके हमें वॉशिंग करना होती है अदरवाइज ये जो एंटीबॉडीज़ है जो बाइंड नहीं हुई है वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगी इस रिएक्शन को होने में इसलिए हम वॉशिंग करते हैं उसके बाद हम इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं तो जो सबस्ट्रेट होता है वो कलर देता है और जैसे ही कलर आता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कलर का कितना स्ट्रेंथ है और ये डिटेक्ट करते हैं कि जो एंटीजन है उसकी कितनी क्वांटिटी इस सैंपल में है डायरेक्ट एलाइजर का जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि दैट द मेथड ऑफ एंटीजन इमोबलाइजेशन इज़ नॉट स्पेसिफ़िक हम एंटीजन को एडर करने के लिए क्या मेथड यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं है व्हेन सीरम इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ टेस्ट एंटीजन ऑल प्रोटीन्स इन द सैंपल में स्टिक टू द माइक्रोटाइटर प्लेट एंड सो ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सीरम मस्ट कम्पीट विथ अदर सीरम प्रोटीन्स वैन बाइंडिंग टू द वेल सरफेस तो क्या होता है हमने मान लीजिए यहाँ एंटीजन के रूप में सीरम डाला तो सीरम क्या होता है उसमें बहुत सारे अदर प्रोटीन्स uh, भी होते हैं और वो प्रोटीन्स भी जो होते हैं सरफेस पे बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होकर के जब हम इस पर हमारा एंटीबॉडी डालते हैं तो नॉन स्पेसिफिकली ये जो हमारी एंटीबॉडी है इन सरफेस प्रोटीन के साथ भी नॉन स्पेसिफ़िक बाइंडिंग शो करती है तो ऐसा होने के कारण जो है इसका ये मेजर डिसएडवांटेज है क्योंकि बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की और फर्दर जो है कलर प्रोड्यूस हो जाता है तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि द सैंडविच एलाइजा इसलिए सैंडविच एलाइजा आया है सैंडविच और इनडायरेक्ट एलाइजा प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सैंडविच एलाइजा को इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं और डायरेक्ट एलाइजा तो हमारा है ही तो इसमें हम क्या करते हैं बाय यूजिंग अ कैप्चर एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द टेस्ट एंटीजन टू पुल इट आउट ऑफ द सीरम्स मॉलिक्यूल मिक्सचर तो हम क्या है पहले से ही एक कैप्चर एंटीबॉडी नीचे की तरफ रखते हैं तो आप जब सैंडविच एलाइजा देखेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे कि हमने जैसे ये सॉलिड सरफेस है तो इस पर पहले से ही एक एंटीबॉडी लगा रखी है जो पर्टिकुलरली इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी ताकि जो नीचे के प्रोटीनस हैं उस पर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं हो अलाइजा टेक्निक एक्चुअल में क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों फॉर्मेट्स में काम करती है और जो क्वालिटेटिव है उसमें हम ये बता सकते हैं कि सैंपल में रिज़ल्ट आया है या नहीं तो पॉजिटिव है तो यस yes, और नेगेटिव है तो नो लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में यस yes, नो no, या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलता उसमें आ, हमें डिटरमाइन करना होता है कि कि कितना क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का भी एक डिमार्केशन है उसका एक कट ऑफ है कि किस लेवल तक हम उसको नेगेटिव कहेंगे और किस लेवल तक हम उसको पॉजिटिव कहेंगे तो इसके लिए टू और थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ द एरर इनहेरेंट इन द टेस्ट इज ऑफन यूज टू डिस्टिंग पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव सैम्पल्स तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर हम निकालते हैं कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव सैम्पल कौन सा है अब अगर क्वान्टिटेटिव की बात करें तो इन द क्वान्टिटेटिव एलाइजा द ऑप्टिकल नॉन कंसनट्रेशन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सैंपल इज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड कर्व विच इज़ टिपिकली सीरियल डायल्यूशन ऑफ नॉन कंसनट्रेशन सोल्यूशन ऑफ द टारगेट मोलिक्यूल तो एक स्टैंडर्ड करव बनाते हैं और इस स्टैंडर्ड कर से हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सैम्पल मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम किसका बनाते हैं सीरील डायल्यूशन ऑफ नॉन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का बनाते हैं जिसका हमको पता है कि इसमें कितना एंटीजन है कितनी क्वान्टिटी है उसके सीरियल डायल्यूशन करके उसका एक स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और उससे हम कंपैरिजन करते हैं हमारे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सैंपल का यानी कि आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए जो द टेस्ट सैंपल रिटर्न एज ओडी ऑफ वन अगर मान लीजिए ओ डी उसका वन आता है द पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड कर्व दैट गै ओ ओडी इज़ वन और अगर स्टैंडर्ड कर्व का ओडी भी वन आता है इसका मतलब ये हुआ कि द सेम एनालाइट कंसनट्रेशन एज अ सैम्पल तो जो कंसंट्रेशन हमारा टारगेट वेल नॉन सैंपल का है वही कंसंट्रेशन हमारे सैंपल का भी है अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एलाइजर एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एलाइजर तो डायरेक्ट एलाइजर वो होता है जिसमें हमने एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरी एंटीबॉडी डाली और डिटेक्ट कर लिया लेकिन इनडायरेक्ट एलाइजर वो होता है जिसमें हमने एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरी एंटीबॉडी डाली देन हम उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं देन हम फर्दर डिटेक्ट करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट एलाइजर लेकिन जहाँ तक सैंडविच एलाइजा की बात है वो इनडायरेक्ट एलाइजा से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी इसलिए डालते हैं जो कि हमारे एंटीजन को इमोबलाइज़ करे ओके देन हम सेकेंडरी एंटीबॉडी इसलिए डालते हैं जो कि उसको डिटेक्ट करे तो वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी हम सैंडविच एलाइजा में डालते हैं वो हमारा सैंडविच एलाइजा इनडायरेक्ट एलाइजा नहीं है जो कि हम नॉर्मली कन्फ्यूज़ होते हैं तो ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए तो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलाइजर एंड दैट इज द सैंडविच एलाइजर सैंडविच एलाइजर का जो सबसे पहला स्टेप है वो है जो हमारी कैप्चर एंटीबॉडी है उसको सरफेस से बाइंड करना उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जितने भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है उस साइड्स को ब्लॉक करना विथ बोवाइन सीरम एलबीमिन या फिर केसीन हाँ इसके बाद हम क्या करेंगे जो एंटीजन कंटेनिंग सैंपल है इज अप्लाइड टू द प्लेट एंड कैप्चर्ड बाय एंटीबॉडी तो अब हम हमारा सैम्पल डाल देंगे जिसमें एंटीजन होगा द प्लेट इज वॉज टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन तो अभी इसमें जो भी अनबाउंडेड एंटीजन है वो रिमूव हो जाएंगे अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज एडेड एंड बाइंड टू एंटीजन हैंस द सैंडविच द एंटीजन इज स्ट्रक इन बिटवीन द टू एंटीबॉडीज़ तो यहाँ आप देखिए अब हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डाल रहे हैं तो ये एंटीजन स्ट्रक हो जाता है इन बिटवीन टू एंटीबॉडीज़ दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी वी इन दीरम ऑफ द डोनर टू बी टेस्टेड फॉर रिएक्टिविटी टूवॉर्ड द एंटीजन इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हमारा एंटीजन नॉन है मान लीजिए और हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी अन नॉन है तो उसको चेक करने के लिए भी हम ये एंटीबॉडी डालते हैं और अगर ये भी है कि एंटीजन अन नॉन है तो एंटीजन चेक करने के लिए हम नॉन एंटीबॉडी डालते हैं और इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आर अप्लाइड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ विच स्पेसिफिकली टू द एंटीबॉडीज़ एफ सी रीजन दैट इज़ नॉन स्पेसिफ़िक तो ये जो एफ सी रीज़न ये ऊपर एफ सी रीज़ंस है एफ सी रीज़न से जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो बाइंड हो जाती है और नॉन स्पेसिफिकली बाइंड होती है ये मतलब ये कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं है इसकी इसके साथ में द प्लेट इज वॉश टू रिमूव द अनबाउंड एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुकेट तो अब अगर कोई भी एंटीबॉडी <coughs> ऐसी होगी जो अनबाउंडेड है तो वो वॉश हो जाएगी अ केमिकल इज एडेड टू कन्वर्ट बाय द एंजाइम इन टू द कलर क्रोसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स तो अब यहाँ पर ये यह जो लेबलिंग है इसके हाँ बेसिस पर हम जो भी केमिकल या सबस्ट्रेट डालना होता है वो हम डालेंगे अगर ये एंजाइम है तो हम सबस्ट्रेट डालेंगे फ्लोरोसेंट है तो कुछ भी नहीं डालना है ना द एब्जॉर्बेंस फ्लोरोसेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स दैट इज द कर द बेस्ट वेल इज मेजर टू डिटर्माइन द प्रजेंस एंड क्वान्टिटी ऑफ द एंटीजन तो जितना भी कैलोरी मेट्रिक कलर प्रोड्यूस होगा उसको हम क्वान्टीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन जो डिटेक्टर्स रहते हैं उसके थ्रू या फिर ओ डी मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू नाव The image to the right includes the use of secondary antibody conjugates to the enzyme, although in the technical sense this is not necessary if the primary antibody is conjugated to an enzyme, which would be the direct ELISA. However, the use of secondary antibody conjugate avoids the expensive process of creating enzyme linked antibody for every antigen one might want to detect. By using an enzyme linked antibody,

नॉन स्पेसिफिकली यहाँ बाइंड होता है प्राइमरी एंटीबॉडी से तो सेकेंडरी एंटीबॉडी सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी और बढ़ जाए फ्लोरोसेंस और ज़्यादा क्रिएट हो अदरवाइज सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं भी डालते हैं और हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ही कॉन्जुगेट कर दें विथ एंजाइम और विथ फ्लोरसेंस तो भी हमारा काम चल जाएगा लेकिन मोर स्पेसिफिसिटी के लिए हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करने से जो इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी है इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है देयर फोर ए सैंडविच एलाइजा यूजड फॉर रिसर्च ऑफर नीड वैलिडेशन टू रिड्यूज़ द रिस्क ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट तो केवल वैलिडेशन के लिए कि हमारा रिसर्च गलत नहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहा बस इसी के लिए ये काम हम करते हैं नाउ नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एलाइजा तो जो कॉम्पिटेटिविलाइज़र है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एंटीजन है उसको एंटीबॉडी के साथ बाइंड करवा देते हैं यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी एंटीबॉडी जो है लेबल्ड नहीं है ये ध्यान रखना एंटीबॉडी लेबल्ड नहीं है अनलेबल्ड है तो एंटीजन एंटीबॉडी अगर स्पेसिफिक होंगे तो बाइंडिंग होगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा देन अब हम क्या करेंगे देन एडेड टू एन एंटीजन कोटेड वेल और ये कॉम्प्लेक्स को हम डाल देंगे माइक्रोटैटर प्लेट में अब टाइटर प्लेट में मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से कहीं तक कोई एंटीबॉडी बची होगी बाइंड होने के लिए तो फर्दर अगर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंडिंग होकर अच्छा कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा तो आप अगर और भी एंटीबॉडी डालेंगे तो अब कॉम्प्लेक्स और नहीं बनेगा अब हम इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो कि स्पेसिफ़िक होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के अगर ये स्पेसिफिक हुई तो ये बाइंड कर जाएगी तो ऐसे में सेकेंडरी एंटीबॉडी जो रहती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाती है तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक हुआ तो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी अगर एंटीजन और एंटीबॉडी प्राइमरी वाले जो हैं स्पेसिफिक नहीं हुए तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होगी वो फ्लश आउट हो जाएगी वो बाइंड ही नहीं होगी तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन हम क्या करते हैं एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ ध्यान देना ये सेकेंडरी एंटीबॉडी लेबल्ड होती है यानी कि इस पर एक एंजाइम का कपल होता है देन अब हम इस पर सबस्ट्रेट डालते हैं सबस्ट्रेट जो होता है वो क्रोमोजेनिक रिएक्शन देता है या फ्लोरोसेंट सिग्नल देता है और फाइनली जो रिएक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए हम इस पर या तो पीबीएस वगैरह डालते हैं जिससे रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन कुछ एलाइजा किट ऐसी आती हैं जहाँ पर एंटीबॉडी में लेबल नहीं होता एंटीजन में लेबल होता है और ये एंटीजन हम वेल नोन है कि कौन सा एंटीजन है तो सबसे पहले सैम्पल एंटीजन डाल दिया जाता है जो कि अनलेबल्ड है फिर इसके बाद में जो एंटीबॉडी है वो डाली जाती है इसके बाद में जो हमारा एंटीजन है वो डाला जाता है तो ये लेबल्ड एंटीजन होता है और ये हमारी इन एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर लेता है तो प्राइमरीली सबसे पहले एंटीबॉडी हमारे सैंपल एंटीजन के साथ बाइंड होती है फिर उसके बाद में जो एंटीजन्स होते हैं जो हम डाल रहे हैं उसको हम डालते हैं तो उसको डालने पर होता ये है कि जो अगर मान लीजिए ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है हमारा एंटीबॉडी तो ये एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड कर जाएगा हमारे लेबल एंटीजन के साथ में अगर इस एंटीजन की स्पेसिफिक नहीं है तो तो दो टाइप के सिग्नल जनरेट होते हैं पहला ये कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिग्नल जनरेट हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेल नॉन एंटीजन था जो किट के साथ आया था उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड हो गई है और सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं यानी कि जो हम सैंपल में एंटीजन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एंटीजन नहीं है और दूसरा टाइप का सिग्नल वो होगा जो कम आएगा अगर कम आता है तो इसका रिजल्ट मतलब ये है कि जो हमने वेल नोन एंटीजन डाले थे वो खाली रह गए उसके साथ हमारे एंटीबॉडी ने रिएक्शन नहीं की क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ थे सैंपल एंटीजन के साथ में मिक्स हो गए सैंपल एंटीजन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं तो इस टाइप से इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एलाइजा किट जिसमें एंटीजन की लेबलिंग होती है विद द एंजाइम्स नौ यहाँ पर एक एच आई वी एंटीबॉडीज़ का अगर मान लीजिए डिटेक्शन करना हो तो क्या करना होता है द वेल ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट्स आर कोटेड विथ एच आई वी एंटीजन सबसे पहले एच आई वी एंटीजन डालते हैं जो कि नॉन है टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर यूज वन कॉन्जिगेटेड विथ एंजाइम एंड अदर प्रजेंट इन सीरम तो ये सीरम में जो है वो टेस्ट वाला सैम्पल है जिसमें एंटीबॉडी लेबल्ड नहीं है इफ़ सीरम इज पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज Cumulative competition occurs between the two antibodies for the same antigen, causing a stronger signal to be seen. sera to be tested are added to those well and uh, incubated at thirty-seven degrees centigrade and then washed. If antibodies are present, the antigen-antibody interaction occurs. No antigen is left for enzyme-labeled specific HIV antibodies. These antibodies remain free upon addition and are washed off during washing. substrate is added डेड बट is no नो एंजाइम टू एक्ट ऑन इट सो ए पॉजिटिव रिएक्शन शो नो कलर चेंज तो आप ये देखें कि यहाँ पर एंटीजन जो था वो सबसे सब पहले डाला और जो एंटीबॉडी जो ऊपर हमने यहाँ जैसा बताया उसके हिसाब से दोनों टाइप की एंटीबॉडी डाल दी सीरम की एंटीबॉडी भी डाल दी और जो कॉन्जुकेटेड एंटीबॉडीज़ थी वो भी डाल दी इन दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन हुई अगर ज़्यादा सिग्नल आए इसका मतलब जो एंटीबॉडी um, सीरम में होना चाहिए वो नहीं है अगर कम सिग्नल आए यानी कि जो एंटीबॉडी सिग्नल सीरम में है वो प्रेजेंट है सो दैट इज़ द पॉजिटिव केस नाउ नेक्स्ट हेडिंग है रिवर्स एलाइजा दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलाइजा इसको हम इनडायरेक्ट एलाइजा भी कहते हैं ये एलाइजा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें अनलेबल्ड एंटीबॉडीज़ को सबसे सब पहले एंटीजन के साथ इंक्यूबेट किया जाता है टू नो द अन एंटीजन जो कि सैंपल में होता है तो क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिक्स होंगे है ना फिर सफिशेंट uh, इंक्यूबेशन के बाद में ऐसा होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाते हैं द सैंपल इज देन पास थ्रू द स्केवेंजर कंटेनर अब इस सैंपल को हम स्केवेंजर कंटेनर से पास करेंगे स्केवेंजर कंटेनर में क्या होगा this can be a test tube or a specially designed flow through channel, flow through channel. the surface of the scavenger container or the channel has scavenger antigen. तो so, इस channel में scavenger antigens होते हैं। ये test tube type की होती है, जिसमें हम हाँ हमारे sample को गुजारते हैं, sample को लेके जाते हैं। तो so, इस test tube में पहले से ही scavenger antigen adder होते हैं वो। अब क्या होगा? दिस कैन बी आइडेंटिकल एंड सफिशेंटली सिमिलर टू प्राइमरी एंटीजन देट आर फ्री एंटीबॉडी विल बाइंड तो उस पर क्या होगा जो फ्री एंटीबॉडीज़ बच गई है वो बाइंड हो जाएगी और ये स्केजर एंटीजन एक्चुअल में हमारे जो सैम्पल एंटीजन हैं जो हम जैसे मान लीजिए अगर एच आई वी एंटीजन है तो हम एच आई वी के एंटीजें इसमें डाल के रखते हैं तो ये जो फ्री एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बाइंड हो जाएगी इससे द स्केवेंजर कंटेनर मस्ट सरफेस एरिया एंड सफिशेंट टाइम टू अलाउ द स्केवेंजर एंटीजन टू बाइंड टू ऑल देंटीबॉडीज इंट्रोड्यूज इन टू द सैम्पल तो जितने भी अनबाउंडेड एंटीबॉडीज़ होगी वो हमारे स्केवेंजर एंटीजेंस के साथ बाइंड हो जाएगी द सैम्पल दैट नाउ कंटेन द टैक्स तो ये स्केवेंजर एंटीजेंस में क्या होता है एंटीजेंस में टैक्स होते हैं ओके okay? टैक्स मतलब लेबल्स फ्लोरोसेंट लेबल वगैरह वगैरह तो एक्चुअल में अब आज के लिए हो गया है कि इट पास थ्रू ए डिटेक्टर दिस डिवाइस कैन बी ए फ्लो साइटोमीटर और अदर डिवाइस दैट एलिमिनेट द टैक्स एंड रजिस्टर द रिस्पॉन्स तो जो टैक्स जनरली फ्लोरोसेंस वगैरह होते हैं यहाँ पे तो फ्लो साइटोमेट्री में जब हम इसको रन करते हैं तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर साइज अगर सैंपल के साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है तो टैक्स कम मिलेंगे और अगर हमारे स्केंजर एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी बाइंड होता है तो टैक्स ज़्यादा मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है इसका यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हमें मान लीजिए किसी बैक्टेरिया का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम इन कलर टैक्स का यूज़ कर सकते हैं इफ़ बोथ टैक्स आर प्रजेंट ऑन ए सेल देन द सेल इज देन स्पेसिफिक स्ट्रेन इफ वन इज प्रजेंट देन इट इज़ नॉट तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कलर स्ट्रेंस आते हैं कलर टैक्स आते हैं तो आप मान लीजिए आपको एक जीनस स्पेसिफिक या फिर स्ट्रेन स्पेसिफिक या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेक्स एक साथ भी लगा सकते हैं दिस टेस्ट इज डन जनरली वन टेस्ट एट अ टाइम एंड कैन नॉट बी डन विद द माइक्रोटाइटर प्लेट इसमें किसी माइक्रोटाइटर प्लेट की जरूरत ही नहीं है आप सीधा फ्लो साइटोमेट्री में इसको लगा दो और चेक कर लो कि कौन सा एंटीजन है द इक्विपमेंट नीडेड इज यूजली लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन यूज कैन बी यूज इन द फील्ड तो फ्लो साइटोमेट्रिक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ जो एंजाइमेटिक मार्कर्स हम यूज़ कर रहे हैं एलिजा में वो कौन कौन से हो सकते हैं पहला तो होता है ओ यानी कि ऑथ्रोफिनाइलिन डाइमिन इसको हम ओ पी डी कहते हैं टर्स अम्बर टू डिटेक्ट एच आर पी जो कि हार्स रेडिस परोक्सीडिस के साथ में बाइंड होता है विच इज ऑफन यूज एज एन कंजुगेट प्रोटीन एस टू कंजुगेट प्रोटीन तो एच आर पी एक्चुअल में एक एंजाइम है जो कि एंटीबॉडीज के साथ हम कॉन्जुगेट करते हैं और फिर इस पर हम सबस्ट्रेट डालते हैं ओ पी डी ठीक ऑल्थ्रोफिनाइल पेराइलिन हाइड्रोक्लोराइट डाई हाइड्रोक्लोराइट दूसरा होता है टी एम बी तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं एंजाइमेटिक मार्कर तो एंजाइम्स हमने बता दिया एच आर पी है और एच आर पी के लिए जो मार्कर है वो ओ पी डी है ऐसे ही दूसरा होता है टी एम बी टी एम बी यानी थ्री थ्री फाइव फाइव टेटरा मिथाइल बेंजेल टेटरा मिथाइल बेंजडीन ओके तो थ्री थ्री फाइव फाइव टेटरा मिथाइल बेंजडिन जो होता है ये सबस्ट्रेट है और ये किस पर काम करता है एच आर पी पर काम काम करता है और जैसे पहले वाले में एच आर पी को जो ओ पी डी था वो अंबर कलर में कन्वर्ट करता है यहाँ जो टी एम बी है वो एच आर पी को येलो कलर में कन्वर्ट करता है आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ठीक है तो इसमें टीएमबी के साथ में आपको सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड भी मिलाना पड़ेगा तो एच आर पी को येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा ना जो नेक्स्ट सबस्ट्रेट है वो है एबीटीएस यानी कि टू टू एजिनोबिस थ्री इथाइल बेंजो थाइजोलिन सिक्स सल्फोनिक एसिड डायमोनियम साल्ट ओके इसको हम कहते हैं एबीटीएस टू टू एजिनोबिस थ्री इथाइल बेंजो थीन सिक्स सल्फोनिक एसिड डायमोनियम साल्ट टर्नड ग्रीन वहन डिटेक्टिंग एच तो एच आर पी के साथ में एंजाइम के साथ में जब एबीटीएस सबस्ट्रेट डालते हैं तो ये इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है ऐसे ही पी एन पी पी पेराइट्रोफिनाइल फॉस्फेट डायसोडियम सॉल्ट पी एन पी पी पेराइट्रोफिनाइल फॉस्फेट डायासोडियम सॉल्ट ये अल्क्राइन फॉस्फेट को येलो में कन्वर्ट कर देता है तो ये कुछ सबस्ट्रेट हैं जिनका यूज़ हम करते हैं और ये कुछ एंजाइम से जो कि जिनकी हम लेबलिंग करते हैं नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा तो एलाइजा का जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्ट करना और उसका क्वांटिटेशन करना और अभी बहुत सारी जो डिसीजेज होती हैं जितने पैथोजेंस होते हैं उसमें एंटीजन का डिटेक्शन करना सीरम में एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं उसका डिटेक्शन करना उसका क्वांटिटेशन करना लाइक like बहुत सारी डिसीज़ेज डेंगू मलेरिया चिकास डिसीज़ जॉन्स डिसीज़ में एलाइजा का यूज़ किया जाता है और जैसे अभी रिसेंटली डिटेक्शन ऑफ सास को टू एंटीबॉडीज़ इन ब्लड सैंपल भी एलाइजा के थ्रू ही किया जाता है और साथ में कॉन्टिटेशन भी किया जाता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलाइजा एंड इट्स टाइप इट्स एप्लीकेशन होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग